हेलो, हाँ बाबू नमस्ते। खुश हो बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ बेटा। हाँ, तुम बिजी तो नहीं हो? कुछ बात कर सकता हूँ? नहीं नहीं पापा, बोलो बेटा। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं कुछ दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ, यही कि बेटा मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाऊंगा। माँ के साथ नहीं रह पाऊंगा मतलब? कुछ नहीं बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चाहा कि ऐसा सब कुछ नहीं हो, लेकिन अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। अभी ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन थोड़ा शांति से गुजारना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो पापा? मम्मी से कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस मैं बहुत दिनों से तुझे बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला। इतनी सी बात है, बस तू ही सोचती बेटा तुझे क्या करना है, और अपने दिल अपनी माँ को तुझे कहाँ रखना है बेटा। ये सब क्या बोले जा रहे हो आप? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा बस यही है कि मैं अब थक चुका हूँ, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पापा एक मिनट रुको, आप प्लीज आप ऐसे मत करो। मैं अभी अभी ऑफिशियल काम से बाहर आया हूँ किसी के पास। मैं काम करता हूँ, मैं कल कुछ आने का देखता हूँ, मैं फिर हम लोग मिलकर बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? नहीं बेटा, इतनी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इतनी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। अपनी फुर्सत देख करके आ जाओ, जब भी मिले, लेकिन देख लो। नहीं पापा, ये सब सुनने के बाद यहाँ रुकने का मन करेगा भी कैसे? फिलहाल मैं आपसे शाम को घर जाके बात करता हूँ, ठीक है? बेटा मेरा मेरी माँ के साथ नहीं रहना, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तू ही सोच ले बेटा तुझे क्या करना है, अपनी माँ को तुझे कहाँ रखना है बेटा। हेलो। हाँ तुम घर पहुँच गई? हाँ, आज मेरा ऑफ है। ओ हाँ सॉरी। सुनो मैं थोड़ी देर में घर पे आ रहा हूँ, ठीक है? तुम कहीं जाना मत, घर पे रहना। ओके, मेरे लिए कोई सरप्राइज है क्या? आकर करता हूँ ना बात। वो पापा का फोन आया था आज, बोलते हैं मम्मी के साथ और नहीं रहना चाहते। What? You're not serious, right? I am. उन्होंने बोला कि मैं परेशान हो गया हूँ और मैं अपनी बची हुई जिंदगी चैन से बिताना चाहता हूँ। तुम देख लो तुम्हें अपनी माँ का क्या करना है, कहाँ रखना है। कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है जो मुझे बता नहीं रहे हैं, वरना हर बार तो फोन करके बताते ही थे सब कुछ।
मुझे क्या लगता है हमें कल चलना चाहिए और जाकर देखते हैं क्या हुआ है। जो भी बातें वहाँ जाकर पता तो चल जाएगी और हो सकता है सब कुछ ठीक भी हो जाए। मैंने ऑफ का बोल दिया है नेक्स्ट वीक का, 3 डेज वैसे ही ऑफ है, तुम भी देख लो अपना। और हम कल सुबह ही निकलते हैं, एटलीस्ट एक वीक वहाँ पर रह कर आएंगे। That's a good idea. This is so strange, yeah? Yeah, of course it is. जब से सुबह से फोन आया तब से मन ही नहीं लगा किसी काम में, मैं आ गया इसलिए। मैं फोन करके उन्हें बता देता हूँ कि हम कल सुबह आ रहे हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ पापा, मैं घर आ गया था। और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग कल सुबह की फ्लाइट से आते हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं पापा, परेशानी की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीक वैसे भी हमारा 2-3 दिन का ऑफ है ही, एक दो ऑफ हम अपनी तरफ से लेके आपके पास आते हैं और करीब एक आध हफ्ता आपके पास रुक के जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग डिस्कस करें, उसे सॉल्व करें। तब तक बस आप तब तक का वेट कर लो प्लीज़। तब तक कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। मैं आपको सुबह फोन करता हूँ पापा। नमस्ते पापा। क्या बात है? आए आए दोनों आ रहे कल सुबह की फ्लाइट से, और दीवानी भी यही मनाएंगे हमारे साथ। अरे अब तो खुश हो गया वाली। दिवाली तो हो गई, अगली दिवाली की आगे सोचेंगे। अगली दिवाली पे पता नहीं मैं रहूंगी या नहीं। सब रहू ना? अरे कोई कैंसर कैंसर नहीं बनते देखो।